पुलिस आरक्षी की भर्ती की परीक्षा 25 और 26 को आयोजित होनी है, 25 की एक पाली में, 26 की दो पाली में। तो उसमें स्कूलों में परीक्षा होती है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट कहलाते हैं वो, और TCS एजेंसी परीक्षा करा रही है वो, और पुलिसकर्मी जो शांति व्यवस्था के लिए और पुलिस की परीक्षा है तो पुलिस के सहभागिता है, तो सबकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग अभी हो रही है, और जिसे कि SSP साहब और DM साहब और DOS हैं वो भी हैं तो संबोधित करेंगे, कर रहे हैं, और ये परीक्षा सुकुशल संपन्न हो इसके लिए मीटिंग आयोजित की। विशेष आवश्यक दिशा निर्देश प्रधानाचार्यों को क्या निकल के आ रहा है सर? नहीं, ठीक है, इसके लिए बुकलेट में सभी कुछ बातें हैं, लेकिन अलग से एक मीटिंग बुला लेने से और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे देने से थोड़ा बात ईजी और सही रहता है। तो उस दिशा में है कि इसको एक गोष्ठी बुला दी गई ताकि हर चीज़ की गंभीरता बनी रहती है, हर चीज़ अप टू डेट रहे। सर, ये मंडल स्तरीय है या फिर जनपद स्तरीय मीटिंग? नहीं, ये मीटिंग है वाराणसी जनपद में जो सेंटर्स हैं, 60 सेंटर्स हैं और उसमें ये परीक्षा होनी है, तो ये उन्हीं की मीटिंग है, 3 सेंटरों में एग्जाम। ये 25 और 26 को आयोजित होगी परीक्षा। लास्ट टाइम 18 और 19 जून को परीक्षा हुई थी तो उसमें कुछ कमियां गड़बड़ी हो गई थी, जो सेकंड पालियों में परीक्षा होनी थी उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई थी तो वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी। वही परीक्षा इस बार 25 और 26 को 3 पालियों में होनी है, तो उसी के लिए सकुशल संपादन हो जाए तो उसके लिए गोष्ठी।